नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा चेतना न्यूज और मैं हूं अशोक गुराना। हमारे कार्यक्रम ग्राम चेतना के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं गांव डाटा में, और गांव डाटा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती पर मूर्ति का अनावरण किया गया है। और यहां एक और खास बात है कि स्वर्गीय श्री चंदन सिंह, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक होते थे, उनकी धर्मपत्नी को मुख्य अतिथि बनाया गया है। तो आइए जानते हैं प्रोग्राम के बारे में। चलिए देखिए कार्यक्रम में किस प्रकार से बड़े बूढ़े बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं, और कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि चारों तरफ कैमरे को घुमा कर एक बार दिखाएं। सांस्कृतिक प्रोग्राम भी चला हुआ है, और सांस्कृतिक प्रोग्राम में जो गायक इस समय गा रहे हैं वो मोहन शर्मा है, डाटा से ही हरियाणवी कलाकार हैं। और इस साइड देखिए किस प्रकार उत्साह है गांव वालों में, कितना क्रेज है। एक भजन और आपके बीच में, हमारे बीच में साथ की साथ दर्शकों से पूछना चाहूंगा हमारे बीच कि प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको। तो मैं उनका पूरे गांव तो कैसा लग रहा है प्रोग्राम। बढ़िया जमा, बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया पूरा गांव का सहयोग है। अच्छा, तो महाराज जी से आग्रह है कि वो स्टेज पे आए। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है। ये पहली शुरुआत है डाटा में, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई हुई है। तो हम दर्शकों से साथ की साथ जानेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। एक तरफ देखिए हमारी माताएं बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ जी, आप कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम? प्रोग्राम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? ठीक ठाक है सब। कैसा लग रहा है प्रोग्राम भाई? बढ़िया लग रहा है। जमा जमा बढ़िया, जमा बढ़िया। अच्छा, इसे रोज करो। अच्छा अच्छा, कहते हैं ऐसे ऐसे हर रोज होने चाहिए, लेकिन ये साल में एक बार ही होता है नेताजी की जयंती पर प्रोग्राम। तो हम मिलना चाहेंगे इसके बाद जो स्वर्गीय चंदन सिंह की धर्मपत्नी है, और चंदन सिंह नेताजी के अंगरक्षक होते थे। तो इधर देखिए प्रोग्राम चले हुआ है, और साथ में गांव के ही महान कलाकार मोहन शर्मा जी यहां प्रस्तुति दे रहे हैं। मोहन जी, आपसे बात करना चाहते हैं हम, एक बार नीचे आइए। नमस्कार। नमस्कार जी, एक बार माइक बंद। तो आपको कैसा प्रोग्राम चल रहा है इधर, क्या कुछ मतलब कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं हमारे पत्रकार साथी हमारे गांव में पहुंचे, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी आपका भी। और ये पहली बार ऐसा हुआ है, इतना क्रेज देखने को मिल रहा है, बड़े बच्चे बुजुर्ग ऐसा हम भी पहली बार देख रहे हैं आपके गाँव में। तो क्या संदेश है युवाओं को आपका? ऐसा है जी, हमारे जिस जगह पर हम खड़े हैं इस गांव में, हम अपने आप को बड़े गौरव के साथ महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे जो बुजुर्ग थे दो, इस भारत माँ के शेर परमादरणीय श्री दुनीचंद जी और परमादरणीय श्री गणेशी लाल जी, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किया और इस देश प्रदेश का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने तो हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे, ये देखिए दर्शक कितने उत्साह के साथ हैं। और अब से कुछ देर के बाद हम स्वर्गीय चंद्र सिंह की धर्मपत्नी से भी वार्तालाप करेंगे। आइए, यहाँ आए हैं और हमारा हौसला बढ़ाएगी। तो मैं भाई शमशेर फौजी का भी स्वागत करता हूँ स्टेज पर। मैं मेरे बड़े भाई बैरसा सिंधु का आग्रह करता हूँ कि वो भाई शमशेर फौजी जी को भी चंदर उड़ा सम्मान दे। स्वर्गीय श्री चंदन सिंह की धर्मपत्नी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक होते थे, बॉडीगार्ड होते थे। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार जी, आप सभी को राम राम। ये देखिए इधर, ये देखिए
स्वर्गीय श्री चंदन सिंह स्वतंत्रता सेनानी भाई विक्रम जहाँ भी कहीं हो एक बार का कष्ट करें। ये हमारे महाराज जी देवी स्वर्गीय श्री चंदन सिंह स्वतंत्रता सेनानी उनकी धर्म पत्नी आई है इस शुभ कार्य के लिए और उद्घाटन के लिए। भाई विक्रम जागलान ने इन्हें बहुत दूर से और बुलाया है यहाँ और इनका मान सम्मान किया है। इनकी भी आत्मा को शांति होती है जब इतना बढ़िया कार्य सुभाष जी के बारे में इनको पता चलते ही हाँ ये अपने आप चल के। और भाई एक और भाइयों की फरमाइश है चैनल की तरफ से आपका नमस्कार करते हैं चैनल की तरफ से आपका इतना मतलब क्रेज है लोगों में कि आपका सम्मान किया और ऐसा होना चाहिए। ठीक है तो आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को यही है कि इस जैसे शहीदों से प्रेरणा लेंगे देश के लिए आप लोगों ने अपना बलिदान देकर देश को आजाद कराया। धन्यवाद और बुजुर्गों की सेवा करें। आज सारे में दरार टकरार ये मूर्तियां नहीं मिलेंगी प्यार नहीं रहा ये बहुत महान हस्तियां हैं और दोबारा से हमारे दर्शन कीजिए। बहुत भाग्यशाली है कि आज इनकी सेवा करने का मौका हमें मिला हुआ है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। वैसे ठीक हो आप तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को भी आशीर्वाद दिया माता जी ने। ये स्वर्गीय श्री चंदन सिंह की धर्मपत्नी है जो नेताजी के अंगरक्षक होते थे। तो साथ में और भी बैठे हुए हैं बुजुर्ग। नमस्कार कैसा लग रहा है आपको? ठीक है जी ठीक है प्रोग्राम हाँ जी दमा बढ़िया। आपको कैसा लग रहा है? ठीक है ठीक है। तो लोगों में बहुत क्रेज है बच्चे बड़े बुजुर्ग महिलाएं सभी एक क्रेज है कि पहली बार ऐसा सांस्कृतिक प्रोग्राम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती पर मनाया जा रहा है। तो ग्राम चेतना कार्यक्रम में आज इतना ही। आगे फिर मिलते हैं तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद नमस्कार।